हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू ऑल एसएसटी क्लासेस ऑफ आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 एंड टुडे आई विल कंटिन्यू द थर्ड चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स पार्ट 4 इन सिविक्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो हाउ टू वर्क गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. Legislative Assembly में Assembly सिर्फ एक ऐसा ही place नहीं है जहाँ पर लोग अपनी opinions को express करते हैं, even वो other demanded actions की भी demand करते हैं। यू विल फाइंड newspapers, आप newspaper में फाइंड करेंगे TV channels and other organizations regularly talking about the government. TV channels और other organization regular way में government के बारे में बात करते हैं। In our democracy में there are various ways through which people express their views and also take action। और ये जो वेरियस वेज हैं इसके थ्रू लोग अपनी बात को, अपनी व्यूज़ को एक्शन के साथ लेते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे, आइए देखते हैं इसका एक सच वे भी है कोई। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, जल्द ही असेंबली में डिस्कशन के बाद जल्द ही देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर। उसके तुरंत बाद ही हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्राम डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स वर प्रजेंट, लार्ज नंबर में लोग बहुत ज़्यादा नंबर में इकट्ठे हुए एंड डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स वर प्रजेंट, और वहाँ पर डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स के लोग भी वहाँ शामिल थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट, वहाँ पर मिनिस्टर और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो थे वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सप्लेन किए वो स्टेप्स गवर्नमेंट के जो उन्होंने लिए थे। रिपोर्टर्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, रिपोर्टर्स ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए उनकी उस मीटिंग में। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, और ये जो डिफरेंट डिस्कशंस थे वो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट की थी। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, इस पेज में हमने एक वन सच रिपोर्ट देखी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वीक चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर विजिट करने के लिए जाते हैं पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ में विजिट करते हैं। हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया है। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल्स, और वहाँ भी विजिट करते हैं जहाँ पर लोग हॉस्पिटल में भी लोगों के पास वो विजिट करते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कॉम्पेंसेशन फॉर दीज फैमिलीज़, तो जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि उनकी उन फैमिलीज़ को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट द ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ वो सोच रहे थे कि यहाँ पर केवल सैनिटेशन की ही प्रॉब्लम है, लेकिन ऑल्सो ए लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर पानी, साफ पीने के पानी की भी कमी है। ही सेड दैट अ हाई लेवल इक्विटी इंक्वायरी कमिटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। और वो कहते हैं, और उन्होंने कहा कि
हाई लेवल पर इसकी इंक्वायरी कमेटी के थ्रू करेंगे और वो पूछेंगे कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या नीड्स हैं टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, देन वो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देंगे एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क। और उन्होंने पब्लिक वर्क्स के लिए भी रिक्वेस्ट की मिनिस्टर से एंड टेक केयर ऑफ इट नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। और इस बात की भी यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो भी प्रॉपर वे में दिया जाए। एज यू सॉ अबव, हमने ऊपर देखा, द पीपल इन पीपल पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। हमने देखा कि मिनिस्टर जो थे वो किस तरीके से एक्शन ले रहे थे। वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस स्टोरी गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड फॉर वर्क। अब गवर्नमेंट किस तरीके से गार्बेज की तरह स्मेल कर रही है, चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि वो इस काम के लिए फंड देंगी। तो पटलपुरम की ही ये स्टोरी है क्लास। एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, लास्ट के कुछ वीक्स में देयर हैव बीन मैनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवर स्टेट। हमने क्या देखा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था दैट द गवर्नमेंट एट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली, जिसे कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस नहीं ले रही थी। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे, आज हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट हिज गवर्नमेंट ही हैज़ आस्क्ड ऑल द कलेक्टर्स एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर्स टू टेक अर्जेंट मेजर्स, कि उन्होंने ये पूछा किससे, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स से एंड कलेक्टर्स से उन मेजर्स के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ दैट, और मोस्ट प्रॉब्लम जो थी वहाँ की वो ड्रिंकिंग वाटर थी। द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज। उन्होंने कहा, मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पर सभी को पीने के पानी की फैसिलिटी जो है वो दी जाए, वाटर टू एवरी विलेज टू टैंकर ट्रक्स, और उन्हें ये जो भिजवाया जाए इन विलेजेस में वो टैंकर ट्रक के थ्रू भिजवाया जाए। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड फंड फॉर दिस वर्क, और चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो इसके लिए फंड भी, इस काम के लिए फंड भी की भी व्यवस्था करेंगे। एंड दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया। और उनका ये जो प्लान स्टार्ट हुआ उसमें कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल, लोगों को इन्फॉर्म किया गया जो स्टेप्स लिए गए दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया, जिससे कि डायरिया को प्रिवेंट किया जा सके, डायरिया से बचाया जा सकते हैं। व्हेन आर रिपोर्टर आस्क्ड हिम, और जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा एज टू व्हाट स्टेप्स आर बीन टेकन टू सी दैट गार्बेज एक्ट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर मंथ्स इज क्विकली कलेक्टेड, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही वुड लुक इनटू दिस। और उन्होंने इसके लिए भी कहा कि गार्बेज को भी उन्होंने सड़ते हुए देखा है। सो इन दिस स्टोरी सेड दैट द मेन प्रॉब्लम इज सैनिटेशन एंड drinking of water, we have already discussed in this para, and the next para is as you know saw above, humne ye sab jo dekha, the people in power like the chief minister, logon ke paas power thi like chief minister ke paas aur other ministers ke paas, have to take action, jisse ki wo action le sake, they have so through various departments, they aur wo apne various department ke saath लाइक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क किया जाता है। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस, इसके बाद एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस,
जो पीपल हैं वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस करके पूछ रहे हैं दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, ये प्रॉपर स्टेप्स लिए गए हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय पर न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू। न्यूज़पेपर और जो मीडिया थी उन्होंने बहुत ही बड़े रूप में इसे डिस्कस किया इस इशू को, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, और गवर्नमेंट ने इसे रिस्पॉन्ड दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। और एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज, गवर्नमेंट न्यू लॉज को भी डिसाइड कर सकती है। एंड द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन, जो कि स्टेट के सैनिटेशन से रिलेटेड हो, एंड हेल्थ फैसिलिटीज से, फॉर एग्ज़ाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। और ये भी कंपल्सरी किया उन्होंने कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि अर्बन एरियाज़ में एडिक्वेट टॉयलेट्स हों। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। और उन्होंने क्या और क्या किया कि हेल्थ वर्कर्स हर विलेज में अपॉइंट किए गए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज़ डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। इस तरह से ये जो एक्ट था मेकिंग लॉज का, वो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें ये इश्यूज विद एक्ट किए गए। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। तो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या करती है, बाद में इसे इम्प्लीमेंट करती है इन लॉज को। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, लॉज जो कि पूरी कंट्री के लिए बनाए जाते हैं वो हैं पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट इन नेक्स्ट ईयर। एंड नाउ लास्ट पैरा इज इन दिस चैप्टर, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग जहाँ जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेलेक्ट किया जाता है एज अ मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एज अ मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, एंड थस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, और ये लोगों की मेन अथॉरिटी होती है। द रूलिंग पार्टी मेम्बर्स देन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम मेम्बर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। तो जो रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स होते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, और जो कुछ अदर मेम्बर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स में अपॉइंट किए जाते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ various departments of government such as health in the above example. Whatever work is done by the these departments as to be approved by the members of legislative assembly. Is that clear, class? Now thank you and have a nice day.